अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही अपने चैनल से हट के एडिशन भी करेंगे इंशाल्लाह, इन फ्यूचर भी इस चीज़ों पे भी व्लॉगिंग करेंगे, जो पेट हैं जिनमें हम डॉग वगैरह कैट वगैरह घरों में किस तरह रख रहे हैं, क्या इनका प्रोसीजर है, किस तरह केयर करनी है। हमारे एक बहुत ही सीनियर यानी कि इस फील्ड में दोस्त हैं, मैंने भी खुद कैट वगैरह रखी है, वो भी आगे आपको दिखाएँगे कभी वीडियो बना के। तो इससे अलावा हमारे शारिक भाई हैं गुजरांवाला में, इनके पास आए, इन्होंने सेटअप लगाया, बर्ड मेरे जुबान पे जो है ब्लॉगिंग कर के बर्ड ही आ रहा है बाहर इस टाइम पे। आज हम कैट और डॉग वगैरह का कर रहे हैं, तो इनसे मालूमात भी लेते हैं क्या क्या ये शो कर रहे हैं इनमें पेट में, और क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है, और इनके पास जो है ना किटन वगैरह भी अवेलेबल है जिन भाइयों को चाहिए होंगे, वो वीडियो के एंड पे अपना शारिक भाई रابطہ नंबर भी बता देंगे, आप उनसे रابطہ कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाई जान, खैरियत से आप? ठीक ठाक। अच्छा शारिक भाई, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा माशाल्लाह आपने शौक जो पेट वगैरह का किया क्या किया, और कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे व्यूवर्स वगैरह के साथ शेयर करें, और मजीद जो इन्फॉर्मेटिव मालूम है वो भी हमारे व्यूवर्स को बताएं, और अगर हमारा कोई यानी कि बंदा यानी व्यूवर्स वगैरह रखना भी चाह रहा है उसे गाइडलाइन की जाहिर सी बात है नीचे स्टेट पे उससे ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह केयर करनी, उसके मतलब आज हमारा जो मकसद है इस वीडियो में जो है ना इन्फॉर्मेशन आगे डिलीवर करना, तो वो सारी बातें जो है ना आज हम डिस्कस भी करेंगे और अपने व्यूवर वगैरह को भी बताएँगे। तो चले अपने तरफ से ले गए हैं जो जो चीज़ें हैं वो वन बाई वन इन्हें बताते हैं। जी भाई जान, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अली भाई के आप अपनी मसरूफियत में टाइम निकाल के मेरे गरीब खाने तशरीफ़ लाए हैं, और जैसा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में बंदे को निकलना बड़ा टफ़ काम है, लेकिन ये आपकी एफर्ट है कि आप सारे सेटअप विज़िट्स कर रहे हैं, लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं, और मज़ीद जो है उनकी बेहतरी के लिए आप एक नॉलेज अच्छा नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँगा जी, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, शारिक डोगर मेरा नाम है जी, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गुजरात कैंपस का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, और ये पेट जो है मेरी हॉबी है, और एक होता है शौक, मुझे इन चीज़ों का क्रेज़ है, और जो है इसमें मैंने काफ़ी सारे पेट्स रखे हैं। इस वक्त मेरे पास जो मौजूद हैं घर में उसमें जो है फर्स्ट नंबर पे है जी कैट्स है, सेकंड पे डॉग्स हैं, और थर्ड पे आप मेरी वेबसाइट पे देखें जो है वो पिजन्स हैं, अमेरिकन लके पिजन्स। तो माशाल्लाह इन सारे सेटअप्स को मैं चला रहा हूँ, एक शौक भी है और हॉबी भी है। तो इस हवाले से जो है मैं अपना नॉलेज आपको काफ़ी देना चाहूँगा, इसकी ब्रीडिंग के हवाले से, इसको रखना, इसकी लुक आफ्टर जो है उसमें। अली भैया आप पूछें, आप कैसा नॉलेज चाहते हैं कि मैं क्या व्यूअर्स को बताऊं या क्या क्वेश्चंस करें जी? इससे पहले तो हम ये कहते हैं कि जो किटन वगैरह उसकी कैटेगरी में हम इन्हें जो है ना डिवाइड करें, तो कितनी कैटेगरी हैं जो कैट की हैं उनमें कैटेगरी में, यानी कि डॉल फेस आ जाता है, पंच फेस, इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि अगर कोई ख़रीदता है तो इनकी प्राइसेस के जो है ना स्टेप भी बताएं कि कैसा फेस हो तो क्या रेंज होनी चाहिए जी। अली भाई इसमें कैट्स के अंदर जो है ना फेसेस की क्वालिटी होती है और फर की क्वालिटी होती है। फर्स्ट नंबर पे जो है डॉल फेस है, फिर सेमी पंच है, पंच है, एक्सट्रीम पंच है, नियर टू पिकी, और सिक्स पे आ जाता है जी पिकी। ठीक है, इस वक्त जो वन नंबर पर पिकी जा रहा है, पिकी की मार्केट वैल्यू काफ़ी है, लोग उसको ज़्यादा लाइक करते हैं, और उसकी फेस की क्वालिटी की वजह से उसकी प्राइस भी सबसे हाई है। ठीक है, तो इसमें जो है कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उसकी रेंज क्या है, उसको किस जो है क्वालिटी का किटन चाहिए, उसका बजट क्या है। तो लेकिन जो मेजॉरिटी चल रही है, जो लोग ज़्यादा जिस मतलब के कैट्स में जिस लाइक करते हैं उसको अपना किटन्स को, उसमें जो है सेमी पंच और पंच फेस है। ठीक है, ये दो जो फेसेस को लोग लाइक करते हैं। चलें ठीक हो गया, तो इसका यानी कि अगर कोई अडॉप्ट करना चाह रहा है किटन वगैरह, तो उसे हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कितने दिन का किटन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं जी। अली भाई ये बड़ी अहम बात है, मैं अब जो है व्यूअर्स के नॉलेज में लाना चाहूँगा। लोग जो है जो ब्रीडर हैं वो लालच कर देते हैं, जल्दी सेल करते हैं कि हमारे पास पैसे आ जाएँ, और जो लेने वाले हैं वो शौकीन होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, बस वो कहते हैं हमारे पास किटन की सूरत पहुँच जाए, तो वो जल्द ही ले लेते हैं। लेकिन इसका जो एक प्रॉपर जो अपना प्रोसीजर है और प्रॉपर जो इसकी मेडिकेशन बताती है, वो किटन को अपना जो है 50 डेज ओल्ड किटन को जो है हैंडओवर अपना कस्टमर के कर देना चाहिए। ठीक हो गया, तो चले व्यूवर्स इनके पास कुछ किटन भी निकले हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और उसके बाद साथ साथ इनकी आगे जो मेडिकेशन में वैक्सीन वगैरह वो भी इनसे मालूम करते हैं, किस किस स्टेज पे कौन कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए वो भी जो है वक्तन वक्तन फोक्तन जो हमने करवानी है वो भी पूछते हैं, आपको किटन भी दिखाते हैं।
तो जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनके पास यानी कि किटन वगैरह अवेलेबल हैं जो आपको दिखा भी सकते हैं। शरक भाई इनका बताइएगा एज कितनी है इनकी और इनकी क्वालिटी पे भी जो थोड़ा सा ना गाइड कीजिए। जी जी अली भाई, ये किटन माशाल्लाह बहुत आउट क्लास जो है क्वालिटी है। इनकी जो एज है वो 22 डेज ओल्ड है, ठीक है। अभी ये ऑन सेल्फ नहीं है, मदर फीडिंग पे है। अब माशाल्लाह देख सकते हैं ये खूबसूरत कितने हैं। इसमें जो है ये एक जो है फ़ान कलर है और एक जो ये वाला जो है ये वाइट कलर है। आप इनका फेसेस देखें, बड़ी खूबसूरत है और ऐसे लग रहे हैं जैसे ये भालू की मानिंद है। ठीक हो गया। तो अभी इन्हें जो हमारे व्यूवर्स को बताएं, अगर कोई अडॉप्ट कर भी लेता है तो कितने, आपने 50 दिन का बताया कि उतने दिन में, तो इनकी मेडिकेशन में स्टेप बताएं उन्हें किस किस एज में जाके मेडिकेशन और कौन कौन सी मेडिकेशन होनी चाहिए। जी इन किटन्स का जो है 50 डेज ओल्ड के बाद जो है आप इसको कस्टमर के हैंड ओवर करें, उसके बाद जो है 1.5 मंथ के बाद जो है आप इनकी वैक्सीनेशन करवाएं जो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन में दो हैं जी, एक जो है जी अपना बायोफिल है और दूसरा जो है रेबीज़ है। ये दो वैक्सीन्स बहुत अहम हैं किटन्स के लिए भी, बल्कि आप अपनी कैट्स को भी करवाएं, उससे जो है कोई जो डेंजरस बीमारियां होती हैं वो अपना कैट्स को इफ़ेक्ट नहीं करती। वो रैबीज़ की जो कहले के वैक्सीन है वो लाजमी करवाएं, उससे ये है कि बाज़ात होता है जो पेट अग्रेसिव हो जाए, काट लेता है, बाइट कर लेता है, उसकी वजह से अगर कोई जरासीम वगैरह अटैक या हार्मफुल जरासीम होगा वो यानी कि वैक्सीन के ज़रिए डेड हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा, कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किटन है। आप इनकी फीड की बात करते हैं, फीड में आप क्या देते हैं शरक भाई ने? जी मैं जो है अपना अली भाई इनको अभी तो मदर फीड में हैं, लेकिन जो इनके जो अपना पेरेंट्स हैं या जो बाकी कैट्स हैं उनको मैं रिफ्लेक्स प्लस जो है फूड जो है तुर्की से इम्पोर्ट होता है, बेसिकली मैं लाहौर से मंगवाता हूँ, यहाँ गुजरांवाला अवेलेबल नहीं है, तो मैं इनको वो फूड जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, बस जो फीड वगैरह कैट को करवाते हैं ये आप देख सकते हैं, ये बैग है शरक भाई, इसका डिटेल में बताइएगा। जी अली भाई मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ, ये रिफ्लेक्स फूड है, यहाँ गुजरांवाला में अवेलेबल नहीं, ये बेसिकली तुर्की से इम्पोर्ट होता है और लाहौर में जो है ना तुर्की से इम्पोर्ट होकर लाहौर में जो बड़े डीलर्स हैं वो इसको परचेज करते हैं और फिर मुख्तलिफ सिटीज़ में ऑर्डर की बिना पर ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये रिफ्लेक्स इसमें 2-3 कैटेगरी हैं, इसमें राइस फ्लेवर होता है, चिकन फ्लेवर है, डिफरेंट फ्लेवर्स है ना, तो मैंने अपनी कैट्स को हर फ्लेवर पे एडजस्ट किया हुआ है, कोई भी मैं फ्लेवर दे सकता हूँ और वो उस पर एडजस्ट हैं। ठीक हो गया। तो यानी कि किटन का सुनने में आया लैदा होता है और अडल्ट के एज का जे एज में जो है लैदा फीड इन्हें देते हैं कि एक ही चीज़ है यानी कि दोनों? जी बिल्कुल, ये अडल्ट और किटन में क्वालिटी का फ़र्क है, जो दाना होता है उसका किटन का छोटा होता है, मैं प्रेफर किटन फ्लेवर ही करता हूँ ताकि छोटा दाना होता है और कैट्स को चबाने में आसानी होती है। अब मैं दिखा देता हूँ व्यूअर्स को, आप ये देख सकते हैं कि ये जो है इसके पीसीज हैं, आप देख सकते हैं कि छोटे दाना है और जानवर जो है वो ईज़िली इसको चबा सकता है, इसमें कैट्स भी और किटन्स भी जो है दोनों ईज़िली इसको खा सकते हैं, इसलिए मैं प्रेफर जो है वो किटन फ्लेवर करता हूँ और वही अपनी कैट्स को दे रहा हूँ। ठीक हो गया। तो इसके बाद व्यूवर्स आपको अब इनके पास जो डॉग हैं उनका भी आप बताइएगा कौन कौन से डॉग हैं आपके पास? जी मैंने इस वक्त घर में जो डॉग 3 डॉग रखे हुए हैं, लैब्राडोर है और रॉटवाइलर है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो लैब्राडोर है वो अपना विन भी है और रॉट जो है वो भी अभी लास्ट गिफ्ट यूनिवर्सिटी में पेट शो में भी विन हुआ है। तो चलें व्यूवर्स, अब टोटली इनका अभी यानी कि खाने का भी टाइम है, इनके पेट वगैरह का, वो इन्हें खाना सर्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इन्होंने खाने में इस टाइम पे दिया, मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं और साथ साथ सवाल जवाब भी चलते हैं। तो चलें अगला प्रोसीजर दिखाते हैं क्या है और डॉग वगैरह जो है फिज़िकल आपको दिखाते हैं। बनकारक भाई बताइएगा डॉग वगैरह का। जी मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ये है जी हमारी स्नोई, स्नोई इधर आओ। ये माशाल्लाह जी बड़ी क्यूट है और बड़ी जो है वो इनोसेंट है, इसकी क्वालिटी भी बहुत खूबसूरत है, क्रीम कलर जो है बड़ा कम होता है इसका, माशाल्लाह क्रीम कलर है, ठीक है, क्रीम कलर लैब्राडोर में कम पाया जाता है, ब्राउन होता है या दूसरा अपना जो है ब्लैक शेड होती है। ये जी फीमेल है जी। जी व्यूअर्स ये मैं दिखाने लगा हूँ अब लैब्राडोर जो मेरे पास मेल है, ये बोस होगो जो है वर्ल्ड चैम्पियन मेल है, ये सन ऑफ बोस होगो है, ठीक है, बड़ा फ्रेंडली है, आप ये देख सकते हैं मेरे साथ बहुत अटैच है, इधर ये देख सकते हैं माशाल्लाह, और जो है बड़ा जो है ये अट्रैक्टिव है, कहता है जी हमें बस वॉक करवा लो इसको, बस बाहर ले जो, तो ये एक्स्ट्रा जो है ना एक्टिव जिसे कह सकते हैं कि लैब्राडोर, एक्स्ट्रा लैब्राडोर में इसका जो है शुमार होता है। नो 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 जोंटी जोंटी जोंटी, ये माशाल्लाह जी ये भी बहुत फ्रेंडली है,
रॉड के बारे में कहा जाता है जी वो इंतहाई अग्रेसिव ब्रीड है, लेकिन आपके सामने है कि मुझे ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहता। मैं इसके बेशक मुंह में क्यों ना हाथ डाल लूँ, लेकिन मैं नहीं डालूँगा। डॉग तो डॉग होता है, लेकिन माशाल्लाह जो है ना इसकी क्वालिटी ये है कि इसको ट्रेंड हमने इस तरह का किया हुआ है कि ये बाइट नहीं करता बिला वजह, और जो है वो बात समझता है। डोंट सिट सिट सिट, गुड बॉय है, गुड बॉय। माशाल्लाह देख सकते हैं आप, और ये शो विन हुआ है, फर्स्ट पोजीशन आई है इसकी गिफ्ट यूनिवर्सिटी पेट शो में। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। शारक भाई इसका बताइएगा जो फूड डाल रहे हैं जी, ये आप फूड देख सकते हैं, इसमें हम राइस दे रहे हैं जी, राइस और जो है बॉयल चिकन, उसको अच्छी तरह जो है हम यकजान करके जब नरम हो जाए तो वो हम इसको दे रहे हैं, जो इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। चलें आप इधर, ये माशाल्लाह जी सुनोइए हमारी, ये माशाल्लाह बड़ी शौकीन है चावलों की, और जो है ना आपके सामने 3-4 मिनट में इसको चट कर जाएगी। चलो आओ जी खाओ। लैब्राडोर के मैं हमारे में अमूमन आप कहना चाहूँगा इनकी खाने की स्पीड जो है वो 100 पे होती है बाकी डॉग्स की निस्बत। इसी हवाले से ये माशाल्लाह हेल्दी होते हैं और इनका बोन स्ट्रक्चर अच्छा होता है, और ये गोल मटोल होते हैं, क्योंकि ये खाने में जो है इनको जितना आप खाना दे दें ये खुश होकर हर चीज़ को खा लेते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। या इसको खाना देने लगे हैं डोंटी वो, इसके बारे में जो है ना खाना ये बड़ा नखरे वाला होता है, अपनी मर्ज़ी से खाना खाता है, और ये खाते वक्त कहता है मुझे डिस्टर्ब ना करो, बड़ा एग्रेसिव भी ये हो जाता है। तो अब खाना रख दिया या बस अपनी मर्ज़ी से जो है ना ये खाएगा जो है। देखें आप जी माशाल्लाह चंद सेकंड ही हुए हैं और इसने जो है ना अपना बोल जो है वो फिनिश कर दिया है। आप इसे कितने टाइम कौन कौन सी फीड देते हैं? मैं सर इन्हें तीनों टाइम दे रहा हूँ अभी, तो जो है ना तीनों टाइम इसे फीड दे रहा हूँ। इसमें जो है अपना बॉयल चिकन है, सिरी का गोश्त है अपना, और ये राइस है ठीक है, और जो है बाकी घर की चीज़ें भी जो हैं जिसमें अपना रोटी वगैरह होगी सारा कुछ जो है ना, ये माशाल्लाह शौक से खा लेता है हर चीज़ को जी। ये सेटअप बनाया हुआ है कैट्स का, और डॉग्स भी इसमें रह सकते हैं। इसमें जो है फाइबर की शीट है ऊपर, और नीचे जो है वो डिफरेंट पार्टीशंस की हुई हैं, कैट वाली साइड पे जो है दो पार्टीशंस की हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये कैट्स जो है, ये सिम्बा है जी माशाल्लाह, ये भी शो विनर है और बड़ी अच्छी क्वालिटी। इसको ना अभी ट्रिम किया हुआ है गर्मियों की वजह से ताकि जो है ना इनके बाल जुड़ जाते हैं। और ये किटन्स भी हैं कुछ, और पीछे एक कैट है, और ये माशाल्लाह जी पिजन्स हैं हमारे पास, अमेरिकन लगे हैं जी। इनमें ब्लैक है फुल, और फुल वाइट भी है अंदर, इन्होंने एग्स भी दिए हुए हैं जो है, दोनों ने कबूतरियों ने एग्स दिए हुए हैं, और चंद दिनों तक जो है बच्चे भी उम्मीद है आ जाएंगे। ये ब्लैक है, फुल ब्लैक है माशाल्लाह, बड़े डबल टेल है पमोस लंबे, और ये ऊपर वाइट आप देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी कितनी आउट क्लास है माशाल्लाह। तो जी व्यूवर्स, आपको डॉग और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आई थी डॉग के वाले से, कैट के वाले से, फूड में क्या खा रहे हैं, वैक्सीन वगैरह क्या देनी है इनके लिए जो करवानी है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम की। तो भाई के पास किटन वगैरह भी अभी हैं, तो अगर किसी व्यूवर्स वगैरह को चाहिए होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। तो शारक भाई, अगर किसी व्यूवर्स को कोई मसला भी आता है इन फ्यूचर, या कोई ट्रीटमेंट के हवाले से, या कोई डिसीज़ वगैरह अटैक कर देती है, उसकी इन्फॉर्मेशन या क्या उसका लाज मुआवजा होना चाहिए, वो शरक भाई आपको गाइड भी कर देंगे। आप इनसे जो है ना पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर लीजिएगा। शरक भाई अपनी लोकेशन और अपना फ़ोन नंबर वगैरह जो है ना व्यूअर्स को बता दें, ताकि किसी को कोई मसला या कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आपसे रब्ता कर सके। जी मेरी लोकेशन गुजरांवाला मेन सिटी जो है, नियर टू मॉडल टाउन, इस्लामिया कॉलेज रोड पर रहाइश है मेरी, जहाँ पर मैंने अपने पेट्स रखे हैं। तो अगर मेरे किसी भाई को भी कोई भी नॉलेज चाहिए हो, या इन फ्यूचर कोई इश्यूज आ रहे हो मेडिकेशन के हवाले से, या सेटअप के हवाले से, या पेट्स को रखना कैसे है, उसको उसकी ब्रीडिंग के हवाले से कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या नॉलेज चाहिए हो, या कोई भी पेट चाहिए हो, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे देता हूँ जी, नोट कर लीजिएगा 0300-911-6919। दोबारा सुने 0300-911-6919। ठीक हो गया। तो चले व्यूवर्स, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।